Why you should choose Russia? नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली बांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में फिफ्थ ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अनिमे नागपुर महाराष्ट्र में है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई यू शुड चूज रशिया, या फिर क्या है ऐसा रशिया में जो आपको बाकी कंट्रीज को नहीं प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि आज एक्चुअली मेरी मैं अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मेरी क्लास लगी थी। मैं जस्ट क्लिनिक से बाहर आई हूँ, तो अभी जस्ट मेरी यहाँ पे क्लास ख़त्म हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैं एक सोचा की वीडियो बना लूँ। एंड आज हनुमान जयंती भी थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाई यू शुड चूज रशिया, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि इंडिया के उस कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं। सबसे पहले जब बच्चे यूक्रेन गए थे तो किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि हाँ यूक्रेन में कभी वॉर होगा या ऐसी सिचुएशन होगी। उसके बावजूद भी कई सारे बच्चे मतलब गए थे वहाँ पे, एंड जब वहाँ पे वॉर की सिचुएशन में बच्चे फंस गए थे तो बच्चों को निकालने के लिए उतनी देर के लिए रशियन गवर्नमेंट ने इंडियंस को सपोर्ट करते हुए स्टेप्स लिए थे, वॉर रोक दिया गया था एंड बच्चे इंडियन के वहाँ से निकल के आए थे सेफली, ठीक है। उसके बाद अभी जैसी सिचुएशन है तो आपको ऐसे डिस्प्यूटेड कंट्रीज़ जहाँ पे कभी भी सवाल उठ सकता है वहाँ की डिग्री को लेकर के, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो कहीं पे अगर वॉर जैसा सिचुएशंस है, ठीक है, कहीं पे ऐसी चल रही है जिसका जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ऐसे कंट्रीज़ को आप ना चूज़ करें तो बेहतर होगा, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के बारे में मैं ये चीज़ आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कजाकिस्तान किर्गिस्तान में पहले MBBS का कोर्स 2021 से पहले 5 साल का था। तो 5 साल का आपका कोर्स होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जाते थे कि इंडिया टू सिमिलर इंडिया जैसा ही है, 5 साल में आपका MBBS हो जाएगा। बट 2021 में गवर्नमेंट की NMC की गाइडलाइंस आई है कि आपका कोर्स मिनिमम 5.5 ईयर्स का होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री जो है वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद उन्होंने 1 साल का अपना इंटर्नशिप का प्लान इंक्लूड किया एंड तब उनका कोर्स कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में 5+1 का हुआ। तो 2021 का बैच जब 2026 में पास आउट होगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ उनकी सच में इंटर्नशिप हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि किर्गिस्तान कजाकिस्तान आपको नहीं जाना चाहिए। जॉर्जिया भी अभी फिलहाल में जो सी सिचुएशन है उसके बाद आपको जॉर्जिया को भी अवॉइड करना चाहिए। अब बात आते हैं कि व्हाई यू शुड चूज रशिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के रशिया के साथ काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर सर जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, रिसेंटली 2023 में उन्होंने रशिया में मॉस्को में उन्होंने विजिट किया था एंड कुछ जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं उसके बाहर जा कर के उन्होंने रशिया में स्टे किया था। तो इससे आप एक आपको एक आइडिया समझ जाएंगे कि हाँ इंडिया के रशिया के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं। उसके बाद रशियंस जो है इंडियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने मेरी कई सारी वीडियो में जा कर के देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। दिवाली, होली जैसे सेलिब्रेट में रशियंस हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, रशियन कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। इवन इस्कॉन जैसे टेम्पल आप देखोगे कि रशिया में हर जगह पे, जैसे मॉस्को हो गया, ठीक है, समारा हो गया, ओरेनबर्ग हो गया, हर जगह पे इस्कॉन का टेम्पल है, ठीक है। तो इस्कॉन का जो कज़ान में भी इस्कॉन टेम्पल है, काफ़ी बड़ा टेम्पल है, आप मेरी इस्कॉन वाली वीडियोस भी जाकर के देखो तो आपको देखेगा। तो ये इंडियन कल्चर्स को इवन यहाँ के कई सारे, जब मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जाकर जाती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी लोग शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की आइडल इनके पास होती है, बहुत सारे बार लोगों के बहुत लोगों के पास होती है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ इंडियन कल्चर भी रशिया में कितना ज़्यादा प्रचलित है, कितना लोग इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये एक मेन चीज़ तो बहुत होगी कि रिलेशंस फ्यूचर में बहुत अच्छे होने चाहिए। देखो वैसे तो फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट अगर इन केस आती भी है तो भी वो दिक्कत मैनेज हो जाएगी कि इतना स्ट्रांग इंडिया और रशिया का रिलेशन रहा है। उसके बाद रशिया एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कंट्री है, ठीक है। तो सेफ्टी आपको बेसिकली वैसी वाली दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, मतलब वॉर वाली जो सिचुएशन है अगर ऐसी कभी कोई फ्यूचर में होती भी है तो रशिया में रहने वाले इंडियंस काफ़ी ज़्यादा सेफ है। एंड वॉर की सिचुएशन के वक्त हम लोग मतलब यहीं पे थे, मैं ओरेनबर्ग में ही थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ सैंक्शंस लगने के बाद मतलब कई सारे मतलब डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स नहीं चल, क्रेडिट कार्ड तो चलती नहीं थी बट डेबिट कार्ड काफ़ी सारे बंद हो गए, कुछ ब्रांड्स बंद हो गए जैसे KFC, रोस्टर्स हो गया, ठीक है, H&M बंद हो गया, पुल एंड बेयर बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई बट एज अ इंडियन स्टूडेंट पे तुम्हें कोई दिक्कत ना हमें आई ना तुम्हें कोई आएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सेफ्टी रिलेटेड। अभी आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो मैंने आपको सेकंड चीज़ ये बता दी कि इंडियन कल्चर को कितना यहाँ पे पसंद किया जाता है। इवन आप ऐसे लोग देखोगे कि यहाँ पे रशिया में इंडियन कल्चर के हिसाब से कुछ रशियंस शादी करते हैं, तो ये चीज़ आपको इंडिया से बाहर देखने में बहुत अच्छी लगी, ठीक है। एंड इस्कॉन का ट्रेडिशन तो ऑब्वियसली रशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जितनी भी यहाँ पे अच्छी सिटीज़ है वहाँ पे आप इस्कॉन तो देखेंगे ही देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर आप MBBS अब्रॉड से प्लान कर रहे हैं एंड अगर रशिया से या फिर किसी भी कंट्री से प्लान कर रहे हैं, तो आपको NMC की गाइडलाइंस को ज़रूर देख लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे NMC की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हाँ, NMC की जो जितनी भी गाइडलाइंस आई थी कि आपका कोर्स इंग्लिश में होना चाहिए, आपका कोर्स मिनिमम 5.5 ईयर्स का होना चाहिए, तो रशिया में वो कोर्स आपका 5.8 ईयर्स का है, ठीक है। कंप्लीट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी रशिया में आपको कम्प्लीटली 6 साल के लिए इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप जिस भी कंट्री से आपका थर्ड जो NMC की गाइडलाइन है, आप जिस भी कंट्री से अपना MBBS परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो आपको, मतलब वहाँ पे वो कंट्री ने आपको लाइसेंस देना चाहिए। तो हाँ, रशिया में आपको लाइसेंस भी मिल जाता है एंड यहाँ पे एक लाइसेंस एग्जाम होता है, लाइसेंस मिल जाता है बच्चों को, तो ये भी NMC की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए मतलब जो बेसिक थी ना कि हाँ, NMC की सारी गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, तो NMC की आपकी सारी गाइडलाइंस रशिया में फॉलो की जा रही है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सब नहीं बोलूँगी पर हाँ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद रशिया में कई सारे मतलब मेडिकल की जो यूनिवर्सिटी है MBBS की यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, ठीक है। एंड टॉप की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ोगे, तो प्राइवेट जैसे तो कोई यहाँ पे सीन नहीं होता उतना ज़्यादा, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने को मिल रहा है आपको रशिया के, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बजट, तो जब भी आपका बजट कम हो तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के वाले बच्चों के लिए एक बजट सबसे बड़ा इशू होता है जिनको भी MBBS करना होता है। तो हाँ, आपके लिए मतलब यहाँ पे मिडिल क्लास, आपके बजट पे जितना भी आपका बजट भले 16 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, आपको आपके बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है जहाँ कम्प्लीटली 6 साल में पढ़ाया जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। तो हाँ, आपके रशिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है MBBS करने के लिए कि ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो हाँ, आपके बजट में आपको एक अच्छा कंट्री, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। इसके बाद आते हैं हम लिविंग एक्सपेंस पे। तो देखिए, कुछ चीज़ें रशिया में सस्ती है, कुछ चीज़ें महंगी है, ठीक है। तो बेसिकली लिविंग एक्सपेंस हम देखें तो कुछ सिटीज़ जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये सिटीज़ में लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी फेमस सिटीज़ होने की वजह से यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी सिटीज़ में आपका लिविंग एक्सपेंस काफ़ी ड्यूएबल है, मतलब हाँ कि आपका इजीली अगर आपका मेस है तो आपको एक्स्ट्रा में 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का लग जाएगा, ठीक है, ट्रैवलिंग वगैरह का भी पकड़ लो। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं चुन रहे हैं जहाँ से हॉस्टल से बहुत यूनिवर्सिटी दूर है, तो हाँ ट्रैवलिंग मतलब एक महीने का 5 हज़ार रुपये पकड़ लीजिए। अगर आपका मेस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तो सेल्फ कुकिंग में आपका लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर मंथ, मैक्स टू मैक्स 12,000, ठीक है, इतना है, मतलब हाँ बेसिकली मैनेज हो जाता है अगर आपको मैनेज करना है तो, ठीक है। यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, तो रशिया की एजुकेशन क्वालिटी देखिए सबसे अच्छी, इंडिया के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया के कंपैरिजन में उतना आपको नहीं मिलेगा, बट जो सेफ्टी होगी सबसे अच्छी चीज़ रशिया की ये है कि यहाँ पे सेफ्टी स्पेशली लड़कियों को लेकर के, एक गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊँ तो हाँ, आप जितना इंडिया में सेफ नहीं फील करोगे उससे ज़्यादा आप रशिया में सेफ फील करोगे, बिकॉज यहाँ पे गर्ल्स का रेशो ज़्यादा है, वुमेंस का रेशो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा है, ठीक है। एंड रशियंस कई ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं आप लोगों से, तो आपको कोई वियर्ड वे में स्टेयर नहीं करेगा। रही बात सेफ्टी की, तो आप रात के कितने भी बजे बाहर निकलो, वैसे हॉस्टल से रात के 11 बजे के बाद हॉस्टल से निकलना अलाउड नहीं होता है, बट इनकेस अगर आप निकलते हो नाइट आउट्स के लिए, तो हाँ यहाँ पे आपको कम्प्लीटली सेफ फील, कम्प्लीटली सेफ आप फील भी करोगे एंड आपको सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू कभी नहीं होगा। मुझे आज तक मेरे 5 साल की जर्नी में कभी कोई ऐसा सेफ्टी रिलेटेड इशू फील नहीं हुआ है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ अच्छी है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, तो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना है आपको एजुकेशन क्वालिटी को। इवन यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी, इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है एंड यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स का भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कई सारे इनके मतलब
चीज़ें हैं जो आपके लिए आपका MBBS की जर्नी आसान बनाएंगी, जैसे पिरोगोव टेबल हो गया, ठीक है। अब आप इंडिया में MBBS कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको कहाँ मिल रहा है 3D देखने को कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, यहाँ बोन है, यहाँ मसल है, यहाँ नर्व्स है। तो यहाँ पे आपको 3D जो पिरोगोव टेबल है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जैसे समारा हो गया, उराल हो गया एंड और भी कुछ यूनिवर्सिटी में होगा, बट पिरोगोव टेबल का जो पेटेंट है वो समारा का है। तो आपको ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपके लिए आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है जिससे आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट कैडेवर पे। तो इंडिया में क्या होता है कि 50-60 बच्चे होते हैं, एक कैडेवर होता है, सब ऐसे झुक झुक के देख रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, एक टीचर पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर टू स्टूडेंट का जो रेशो है, एक क्लास में मुश्किल से 15-16 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक टीचर होता है एंड हर स्टूडेंट अगर आपको ऑर्गन देख रहा है, ठीक है, अगर आपका ब्रेन का क्लास चल रहा है, CNS की क्लास चल रही है, तो इंडिविजुअली हर पर्सन को CNS का ब्रेन का अलग पार्ट मिलता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कैडेवर्स अच्छे खासे हैं, तो हाँ इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको कैडेवर्स इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को मिलते हैं, जिसमें टीचर आपको पढ़ाएगा कि हाँ देखो ये CNS का पैटर, ये CNS हम पढ़ रहे हैं, ये ब्रेन का पार्ट है, ये व्हाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है। तो ऐसी आपको चीज़ें क्लियरली डिफाइंड होती है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक कैडेवर दिया जा रहा है, तो आपको झांक झांक के देखना भी नहीं है, ठीक है। रही बात अगर एक्स्ट्रा क्लासेस किसी बच्चे को करना है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप सैटरडेज को एक रिक्वेस्ट करके, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, समारा का, 4 साल तक के मैं ओरेनबर्ग में थी, ठीक है, वहाँ पे भी ये चीज़ें अच्छी है, बट समारा में भी अगर आपको मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप सैटरडेज को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास अपनी लगवा के टीचर्स आपको कैडेवर्स के साथ अवेलेबल कैडेवर के साथ आपको फिर से वो टॉपिक पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे। ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने आपको यहाँ के हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया। मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर के ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मतलब रशिया में आपके कई सारे रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। इंडिया में हर इंसान का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है, बट रशिया में आपको हर इंसान के पास मेडिकल इंश्योरेंस दिखेगा, तो ये चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड ये लोग काफ़ी ज़्यादा, आप जब हम मतलब मैंने आपको बता दिया कि हाँ एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इनका, तो बट देखिए हॉस्पिटल्स में एज़ कम्पेयर टू इंडिया उतने आपको पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं मिलेंगे, बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ द इंडिया की जितनी भी डिजीजेज है हाइजीन की वजह से होते हैं, ठीक है, कि हाइजीन नहीं मेंटेन करने की वजह से इंडिया के डिजीजेज हो गए। जैसे मलेरिया हो गया, इंडिया में ऐसा है कि मलेरिया की हर किसी को हो जाता है, मलेरिया ठीक भी हो जाता है, ठीक है, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है मलेरिया। यहाँ पे मलेरिया किसी डॉक्टर को पता चल जाए ना कि इंडिया किसी को मलेरिया है, यहाँ तो बेसिकली मलेरिया होता ही नहीं है, बट मलेरिया इनके लिए बहुत रेयर डिजीज है, ठीक है, तो इन लोगों को मतलब ऐसा शौक होता है, ओह मलेरिया हो गया ऐसा, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ वो उतनी रेयरली नहीं पाई जाती, आप कहीं पे भी यहाँ पे रास्ते पे भी देखो, अगर मैं आपको यहाँ की टाइल्स भी दिखा दूँ ना, इतनी ज़्यादा हाइजीनिक है, इसकी वजह से यहाँ पे आधे डिजीजेस तो ऐसे ही कम हो गए, ऊपर से यहाँ की पॉपुलेशन और कम है, पॉपुलेशन कम होने की वजह से और कम हो गए। जितनी भी पॉपुलेटेड सिटीज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहाँ पे पेशेंट फ्लो आपको अच्छा मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या होता है कि करना होता है कि ऐसी सिटी चूज़ करें जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ताकि आपको पेशेंट का जो आउटफ्लो है वो अच्छा खासा मिल जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हॉस्टल्स पे। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्टल है, किसी भी हॉस्टल का 30,000-40,000 50,000 मैक्स पकड़ लो, 50,000 मैक्स एक साल का गवर्नमेंट हॉस्टल का, इसके ऊपर की फ़ीस नहीं है, ठीक है। अगर कोई ले रहा है तो वो गलत है, ठीक है। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनका 10,000 रुपये है गवर्नमेंट हॉस्टल की जो फ़ीस है, कुछ का 30,000 है, कुछ का 35,000 है, यही है हॉस्टल गवर्नमेंट की। अब अगर हम इनका हॉस्टल देखें तो हॉस्टल सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इंडिया के कंपैरिजन में, सच में काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे आपको मतलब कई सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे आपका हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। एंड ये जो है फायर अलार्म्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ये लोग स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप अगरबत्ती का धुआं करोगे फायर अलार्म बच जाएगा, तो इतना ज़्यादा ये लोग स्ट्रिक्ट है इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के। तो अगर अभी हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या हॉस्टल का कैसा सीन है, ठीक है। हॉस्टल मैनेज करने के लिए एक इंसान होता है मेन, जिसे कमिंदान बोलते हैं, ठीक है। हॉस्टल में हर फ्लोर पे हर लीडर होता है, जिसको स्तारस्ता बोलते हैं फ्लोर लीडर्स को, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हॉस्टल को लेकर के। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी, कि क्या आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं एंड आपका अगर बजट नहीं है, तो क्या आपको बैंक लोन देती है? तो हाँ, आपको रशिया की कई सारी अगर आपके टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। आपको चेक करना होता है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, आप टाइम्स पे रैंकिंग चेक कर सकते हैं। समारा की टाइम्स में अगर आप रैंकिंग चेक करोगे तो समारा सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर टॉप की है तो आपको रशिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट बैंक से एजुकेशन लोन मिल जाता है। मेरा खुद का एजुकेशन लोन है PNB बैंक से, ठीक है।
तो आपको लोन भी इजीली मिल जाता है रशिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सब यूनिवर्सिटी के लिए नहीं मिलता बट हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। SBI भी देती है, PNB देती है, बैंक ऑफ बड़ौदा देती है, तो ऐसी कई सारी बैंक्स हैं। आप अगर आपको और डिटेल में जानना हो एजुकेशन लोन रिलेटेड तो मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लीज़ आप एजुकेशन लोन वाली मेरी वीडियो जा करके देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बजट से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं रशिया, क्या रशिया की डिग्री बाकी जगह पे वैलिड है? तो हाँ जी, रशिया की जो डिग्री है उसे बोला जाता है MD इक्विवेलेंट डिग्री, जो कि मतलब इंडिया में MBBS है, तो आपके एडमिशन लेटर पे MD इक्विवेलेंट लिखा होता है, तो आपकी जो डिग्री है वैलिड है। एंड अगर मान लीजिए आप अलग कंट्रीज में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे US में हो गया तो आपको USMLE देनी होगी, अगर आप UK में जाके प्रैक्टिस करना होता है तो आपको UKMLE जो कि पहले प्लैब था वो देना होगा, ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो आपको AMC का एग्जाम देना होगा। तो यहाँ की डिग्री हर जगह के लिए वैलिड है, इंडिया में भी आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, जिस भी कंट्री में जाकर के आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बस वहां का आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है। इसके बाद आपकी जो मतलब रशिया की डिग्री हाँ हर जगह पे वैलिड मानी जाती है MBBS की, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड है? तो हाँ, यहाँ पे रशिया में कई सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ECFMG, WHO, NMC, MCC एंड WDOMS रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है। आपकी यूनिवर्सिटी का WFME और ECFMG रिकॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप USMLE एंड PLAB जैसे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी रिकॉग्निशंस को लेकर के। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन डाउट है कि ड्यूरेशन एग्जैक्टली कितना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रशिया में आपका MBBS का कोर्स है 5 साल और 8 महीने, एग्जैक्टली 5.8 ईयर्स, एंड गवर्नमेंट के हिसाब से क्या रूल है कि 5.5 ईयर्स का होना चाहिए, तो 5.8 है, जिसमें 5 साल का आपका MBBS है, ठीक है। उसके बाद 8 महीने की आपकी इंटर्नशिप है, मतलब 5.8 ईयर्स में, मतलब हम बेसिकली अप्रोक्सीमेटली उसको 6 साल ही पकड़ के चलते हैं, तो 6 साल में आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, ऐसा आपका MBBS का यहाँ पे ड्यूरेशन का कोर्स है। लास्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अगर आप 17 साल के हैं, 17 ईयर्स है तो आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका PCB में 50% आना चाहिए, आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो था 137 जनरल कैटेगरी, 107 रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 140 या 142 जाएगा जनरल के लिए, एंड 110-112 के करीब करीब जाएगा OBC रिजर्व SC ST कैटेगरीज के लिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, कम्प्लीटली अगर हम ओवरऑल समराइज़ करें तो यूनिवर्सिटी आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए होती है कि आपके बजट में होनी चाहिए, आपको बजट में मिल रही है, आपके लिविंग कॉस्ट कम है, SEC चुनी है। उसके बाद आपको सेफ्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वॉर का स्टूडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको कम्प्लीटली यहाँ पे सेफ्टी भी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपको टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, एंड उसके बाद आपको हॉस्पिटल्स में भी अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है, इंडिया से कंपेयर करें तो हाँ कम है, बट हाँ आप अगर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जिनका इंडियन हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन है, तो आप आपकी समर प्रैक्टिस में 2 महीने की जो समर प्रैक्टिस है उसमें आप उतना क्लिनिकल एक्सपोजर सीख सकते हैं, उतनी जो आपको क्लिनिकल नॉलेज आपको लगता है कि हाँ आप कहीं लैक कर रहे हैं तो आप 2 महीने के समर प्रैक्टिस में सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, एंड अगर मान लीजिए आपको किसी ऐसे से बात करनी है जिसने आपके, जैसे आप लखनऊ से है, UP से है, आपको आपके यहाँ से किसी ने MBBS करके, जिसने अपनी MBBS ख़त्म करके आया हो एंड आपके यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, अगर आपको ऐसे भी किसी इंसान का नंबर चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है। तो आई होप कि मैंने आपको मतलब इनफ रीजंस दे दिए हैं कि व्हाई यू शुड चूज़ रशिया, ठीक है, एंड आपके पास एक ऐसा एक भी रीज़न नहीं है क्यों आपको रशिया नहीं चुनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट छूट गई क्लाइमेट को लेकर के। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रशिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है, बट रशिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, हर जगह पे क्लाइमेट अलग है। कुछ सिटीज़ है जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है, लाइक ठीक है बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो बेहतर होगा कि आप ऐसी जगह ना जाए, क्योंकि इंडिया से आने वाले बच्चे, अगर मान लो कोई बच्चा राजस्थान जैसे जगह से आ रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, 40-42 आराम से होता है, तो आप थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है बट बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं। पूरे रशिया में आपको सेंट्रलाइज हीटिंग मिलेगी, तो ठंड क्लाइमेट उतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है अगर आप एक थोड़ी ठीक ठाक जगह चूज़ कर लेते हैं तो। जैसे यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग होने की वजह से आपको बस में, आप बाथरूम्स में, मॉल्स में, हर जगह पे हीटर मिल जाएगा, बस आपको थोड़ी क्लास, अगर आप बस वस से आते जाते हैं तो थोड़ा बस में मतलब बस स्टॉप मतलब आपके हॉस्टल से बस स्टॉप जाने तक का दिक्कत है। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जहाँ पे आपको कैंपस के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको ये भी डिसएडवांटेज नहीं फील होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो।
एंड आपको बाकी भी कोई अगर डाउट है, अगर आपको किसी भी तरह का PDF चाहिए कि NMC की गाइडलाइंस वाला या कोई भी, तो मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिया है इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स है यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कंट्री रिलेटेड, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पढ़ाई करी जाती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में सब कुछ इंडिया के कैंपस जैसा है, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इंडिया के कैंपस जैसी मिलेगी सब कुछ। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें सब कुछ कैंपस के अंदर है, तो हाँ ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो मैंने अपना नंबर ये जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसे आप इस पर आप मुझे मैसेज करिए, इसे सेम +7 के साथ सेव करिए, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में पिन कोड होता है +91, वैसे रशिया में +7 होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप यहाँ आने के बाद आप यहाँ के बैंक में इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सिम भी इजीली मिल जाता है। तो हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, इसे सेम +7 के साथ सेव करें। एंड आप मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको मेरी किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो नीट से लेकर के, ठीक है, या फिर आपके MBBS अब्रॉड के जर्नी से रिलेटेड कहाँ से करना चाहिए, आपके बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी। तो 5 साल में बेसिकली मुझे इतना तो मैंने देख ही लिया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ कैसी क्या चीज़ें हैं, कहाँ कौन से कहाँ किससे एडमिशन लेना सही होगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले, दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़, दैट्स इट, थैंक यू।